चाहूंगी, लाइफ की स्टोरी, लाइफ की स्ट्रेटजी, लाइफ के उतार चढ़ाव, लाइफ की गरीबी क्या होती है, उसमें से आदमी कैसे अपने आप को उभरता है, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगी। शादी हो गई, शादी के बाद मैं मुंबई आ गई और मुंबई में आके मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए। गरीबी हमारे लिए एक अभिशाप है पर हमें गरीब होके मरना नहीं है। सो मैंने ठान लिया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। नजर आया मैंने काफी जगहों पे जॉब भी की लेकिन जॉब मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं था। जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं थी और कहीं ना कहीं लग रहा था कि इससे बढ़कर मैं क्या कर सकती हूँ लाइफ में। तब मुझे एक नज़र आया ब्यूटी फील्ड पर। मैं सच में ब्यूटी फील्ड को भगवान मानती हूँ और आज उसी फील्ड की वजह से मैं एक अच्छे मुकाम पे हूँ। अवार्ड शो का एक जो कंपटीशन था उसमें पार्ट लिया और उस शो में मैं फर्स्ट टाइम हारी थी। जब मैं हारी तब मुझे बहुत रोना आया और लगा कि नहीं, मुझे इससे भी अच्छा करना चाहिए, मैं कर सकती थी, मैं करूँगी। और उस दिन से मैंने ठान लिया, मैंने ये दिन रात इतनी प्रैक्टिस की लेकिन मैं इस लेवल तक पहुँच गई थी कि मेरा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता था। इस लेवल तक पहुँच गई कि लोग मुझे गुरु माँ के नाम से जानने लगे। बदलता
Speechless.